हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, IVF। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आजकल अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आपको IVF करने की ज़रूरत है, तो एकदम पेशेंट डर जाते हैं कि नहीं डॉक्टर, हम लोग को नेचुरली अटेम्प्ट करना है, हम लोग को आर्टिफिशियल नहीं करना है। तो जस्ट आप इसको थोड़ा सा समझो कि IVF क्या है। डरने जैसा कुछ नहीं है। अगर नेचुरल तरीके से 3-4 साल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग IUI करके अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे और अगर आपके डॉक्टर आपको IVF सजेस्ट कर रहे हैं तो फॉलो इट। एक बार उसको सोचो, उसके बारे में जांचो, पढ़ो और उसके बाद अगर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो IVF क्या है? इट्स द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी जो फर्टिलाइजेशन नेचुरली बॉडी में होता है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइज बेबी डे 5 को यूट्रस में आके चिपकता है नेचुरली। सेम चीज़ हम लोग टेक ओवर करके बाहर कर रहे हैं। तो उसमें 4 स्टेप्स आते हैं। कौन सा? सबसे पहला है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी पेशेंट को हम लोग बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारे अंडे बनाने का टारगेट रहता है। नेचुरल साइकिल में 1 या 2 अंडे बनते हैं, जो कि हम लोग IVF में 9, 10, 12, 13 डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, एंटर फॉलिकुलर काउंट, एज और AMH हम लोग का टारगेट रहता है बहुत सारे अंडे बनाने का। तो पेशेंट को डेली इंजेक्शन चलते हैं। इंजेक्शन का पेशेंट को डर लगता है कि इंजेक्शन डॉक्टर बहुत डर लग रहा है, तो इंजेक्शन भी क्या, बहुत पतले निडल आते हैं, इंसुलिन सिरिंज आते हैं, डायबिटिक्स के जो इंजेक्शन रहते हैं ना वैसे इंजेक्शंस के निडल रहते हैं और 1-2 इंजेक्शन पेट पे जाते हैं, 1 इंजेक्शन कमर पे जाता है। सिर्फ डेली फिक्स टाइम पे आपको आके इंजेक्शन लेना रहता है। अल्टरनेट डे सोनोग्राफी चलती है। सोनोग्राफी से आपके अंडे का ग्रोथ मॉनिटर होता है और जब भी वो अंडों की साइज़ अच्छी आती है, हमारा क्राइटेरिया है 18-20 मिलीमीटर, जब वो 18-20 मिलीमीटर के अंडे आपके मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोग एक ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर यानी वो अंडा रप्चर होने का इंजेक्शन देते हैं और अंडे रप्चर होने के पहले ही हम लोग वो अंडों को बाहर निकलते हैं छोटे के ऑपरेशन के थ्रू। वो आती है हमारी सेकंड स्टेप, दैट इज दी ओवम पिकअप। ओवम पिकअप यानी वो अंडों को फूटने के पहले ही हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं ओवम पिकअप, ओवम रिट्रीवल। तो वो एक छोटा सा जनरल एनेस्थीसिया आता है 10 से 15 मिनट का। TVS का प्रोब आता है हम लोग का, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का, उसको ये अटैच एक पतली निडल रहती है, वो निडल के थ्रू हम लोग अंदर जाते हैं, ट्रांसवजाइनली अंदर जाते हैं और वो फॉलिकल यानी अंडे यानी क्या, हम लोग को सोनोग्राफी में फॉलिकल्स दिख रहे हैं, इट्स द फ्लूइड फिल्ड सैक। तो वो जाके वो फॉलिकल को प्रिक करके वो फॉलिकल का जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट करके एक पाइप के थ्रू हमारे सक्शन बॉटल में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवम पिकअप। डरने जैसा कुछ नहीं है, 10-15 मिनट का छोटा सा प्रोसीजर है। सिर्फ ये है कि हम लोग प्राइवेट पार्ट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, पेशेंट अनकंफर्टेबल रहते हैं, थोड़ा सा पेन रहता है, इसलिए हम लोग उसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। तो आपको डे केयर प्रोसीजर है, सुबह एडमिट होने का, दोपहर को डिस्चार्ज होना है। वो सब जो फ्लूइड है मिक्स विद द एग वो हम लोग बाहर निकालते हैं। अभी तीसरा स्टेप आता है IVF, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। अभी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो जो फ्लूइड है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं, उसमें से जो एग्ज है, अच्छे वाले एग जो है उसको सेग्रीगेट करते हैं, फ्लूइड से वो अंडे बाहर निकालते हैं। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक होता है कौन से अच्छे अंडे मिले हैं। कुछ कुछ एम्प्टी फॉलिकल रहते हैं, यानी सोनोग्राफी में वो फॉलिकल दिख रहा है लेकिन उसके अंदर अंडा रहता ही नहीं है। तो वो चेक होता है कि कितने अंडे मिले हैं और उसी वक्त आपके हस्बैंड सैंपल देते हैं, सेमेन सैंपल देते हैं, वो भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे चेक करते हैं। तो जो अच्छे वाले स्पर्म हैं और अच्छे वाले एग हैं उनको ही हम लोग यूज़ करते हैं। अभी 2 टाइप का IVF होता है। एक तो डायरेक्ट IVF है, मानो पेट्री डिश में हम लोग एग रखते हैं, ओसाइट रखते हैं और उसमें डायरेक्टली स्पर्म छोड़ देते हैं और वो नेचुरली वो स्पर्म एग को पेनिट्रेट करते हैं। ये हो गया IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पेट्री डिश में रखते हैं, उसको बाद में कल्चर मीडिया और इंक्यूबेटर में रखते हैं। अभी इंक्यूबेटर में जो टेम्परेचर रहता है वो अपने नेचुरल बॉडी टेम्परेचर के जैसे ही मेंटेन होता है जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। और 3rd डे पे फिर वो प्लेट्स ओपन होते हैं और वो बेबी चेक होते हैं कि कितने अच्छे बेबी मिले, उसको बोलते हैं हम लोग मोरूला। आगे चल के ब्लास्ट होने तक भी कभी कभी वेट करते हैं। अभी नया टेक्निक आया है इन ICSI। ICSI यानी क्या? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
तो उसमें क्या करते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये अच्छे वाले ऊसाइट को यानी अंडे को होल्ड करते हैं, स्पर्म को लोड करते हैं एक पिपेट में और दोनों को मैन्युअली फर्टिलाइज करते हैं। तो ये है एडवांस टेक्निक ऑफ IVF, उसको बोलते हैं ICSI। ये कौन से पेशेंट में करते हैं, जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनके वीक स्पर्म है, उन लोगों में हम लोग ICSI करते हैं। जो कि जो पहले वाला जो IVF बोला मैंने, जो पेट्री डिश में अंडा रख के स्पर्म छोड़ देते हैं और वो खुद से फर्टिलाइज होते हैं, उससे आजा अभी एडवांस टेक्निक आया है ICSI, जिसके सक्सेस रेट ये पहले वाले IVF से थोड़े ज़्यादा है और टेक्निक भी बहुत, मतलब उसका आउटकम भी अच्छा मिल रहा है हम लोग को। अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम लोग यहाँ पे ऊसाइट क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी चेक कर रहे हैं और जो अच्छा अंडा और अच्छा स्पर्म है उसको ही हम लोग मैन्युअली फर्टिलाइज कर रहे हैं। और वो जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो हम लोग हमारे इनक्यूबेटर में रखते हैं एट द टेम्परेचर, वो पूरा माइनस टेम्परेचर रहता है, जो फर्टिलाइजेशन के वक्त नेचुरली अपने यूट्रस में रहता है वो टेम्परेचर में और अच्छे वाले कल्चर मीडिया में रखते हैं, ताकि वो एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो हो। और थर्ड डे पे या समटाइम्स फिफ्थ डे पे, उसको ब्लास्ट बोलते हैं हम लोग, वो एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। वो भी अपने IUI के जैसे प्रोसीजर रहती है, जिसमें एनेस्थेसिया नहीं आता है, पतला सा कैथेटर आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर, उसमें हम लोग एम्ब्रियो लोड करते हैं और एम्ब्रियो सोनोग्राफी गाइडेड हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी हम लोग कभी कभी दो एम्ब्रियो, मोस्ट ऑफ द टाइम दो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते, कभी कभी तीन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते। अभी मानो कुछ कुछ पेशेंट्स के ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, हम लोग एक टाइम पे दो या तीन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपके जो बचे हुए एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है उसको हम लोग फ्रोजन करके रखते हैं हम लोग के फ्रोजन कैन में। तो अगर आपकी साइकिल फेल हो रही तो आपके नेक्स्ट साइकिल में आपको वापस से स्टिमुलेशन नहीं लगेगा, वापस से इंजेक्शन देने की जरूरी नहीं है, नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपके दो एम्ब्रियो ट्रांसफर होंगे। तो IVF का एडवांटेज ये है कि आपके मल्टीपल एग्स बनाते हैं और मल्टीपल एम्ब्रियोज हमारे हाथ में रहते हैं, तो हम लोग अगर मानो फर्स्ट टाइम साइकिल अगर फेल हो रही तो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गई IVF की प्रोसीजर। पहला है कि ओवेरियन स्टिमुलेशन, पेशेंट को इंजेक्शन जाते हैं ऑन एन एवरेज 11 से 12 दिन इंजेक्शन चलते हैं, 13-14 डे पे पिकअप आता है जो सेकंड प्रोसीजर है, हल्का सा एनेस्थीसिया देके वो अंडे हम लोग बाहर निकालते हैं। तीसरा प्रोसीजर है IVF और ICSI, दोनों को मैन्युअली हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनाते हैं, मेन रोल एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब का ही है, अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छी लैब ही आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और चौथा स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो कि OPD बेस्ड प्रोसीजर है, जिसके लिए आपको एडमिट नहीं होना है, प्रोसीजर के बाद आप तुरंत वॉक वगैरह कर सकते हैं, बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो, खुश रहो, अच्छे से खाओ, प्रॉपर नींद ले लो, स्ट्रेस मत रखो, बहुत हेवी एक्सरसाइज मत करो। रिगार्डिंग द सक्सेस रेट ऑफ द IVF, ऑन एन एवरेज 35-48% सक्सेस रेट बोला है, जो कि IUI से बढ़ के ही है। सिर्फ IVF का क्या है कि थोड़ा कॉस्ट कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इसलिए ऐड होती कि इंजेक्शन, जितने अच्छी क्वालिटी का इंजेक्शन यूज़ करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी का एक बनेगा, उतने अच्छे रिजल्ट बनेंगे। और दूसरा है लैब, जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो महंगे हैं, और जो टेम्परेचर में मेंटेन होता है एम्ब्रियो वो 5 दिन, वो जो टेम्परेचर अपने को बॉडी टेम्परेचर के जैसे रखना पड़ता है, इसलिए वो IVF में आपको ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 लाख तक एक्सपेंसेस आते हैं। इसकी वजह से पेशेंट डरते हैं कि खर्चा भी आता है, डॉक्टर इन्वेजिव है, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगेंगे, ये आर्टिफिशियल है, बहुत सारा नेगेटिव स्टिग्मा है लोगों में कि हम लोग को IVF नहीं करना है, हम लोग को नेचुरली करना है। और उसमें क्या हो रहा है कि आपका एज बढ़ रहा है, आपका AMH कम हो रहा है, आपके एग की क्वालिटी पुअर हो रही है, आपके स्पर्म की क्वालिटी पुअर हो रही, और उस केस में आप IVF का सक्सेस रेट भी आपका कम। तो आपको अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आपको IVF लगेगा, आप उसको सोचो, उसको पढ़ो, उसके बारे में इंक्वायरी करो, एंड देन गो हेड, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।